नमस्कार दोस्तों, रविंद्र सरणी लाल बाजार क्रॉसिंग से शुरू होके बाग बाजार तक गया है, लंबा रास्ता है। आज हम लाल बाजार क्रॉसिंग से चलना शुरू करेंगे, कोलजला स्ट्रीट तक चलेंगे, बाकी का हिस्सा हम अगला एपिसोड में दिखाएंगे। तो चलते चलते रास्ता का दोनों साइड में जितना रास्ता आके रविंद्र सरणी से मिले है उसको दिखाएंगे, बिल्डिंग्स दिखाएंगे, दुकानें दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ ये वीडियो देखिए। ये लाल बाजार कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है। लाल बाजार कोलकाता पुलिस के मुख्यालय के मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रशासनिक महत्व रखता है और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से शहर के कानून प्रवर्तन के लिए केंद्रीय रहा है। ऐतिहासिक रूप से लाल बाजार कोलकाता के प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्रों से जुड़ा हुआ है, जो शहर के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलकाता का एक प्रमुख मार्ग रविंद्र सरणी लगभग 5.4 किलोमीटर तक फैला है। ये सड़क ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लाल बाजार से बाग बाजार तक जाती है, जो बड़ा बाजार और शाम बाजार सहित कई उल्लेखनीय क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। ये कोलकाता की सबसे पुरानी सड़कों में से एक है और इसका नाम प्रसिद्ध बंगाली बहुश्रुत रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। इसे चितपुर रोड का नाम से भी जाना जाता है। जब कोई लाल बाजार से रविंद्र सरणी के साथ आगे बढ़ता है तो मार्ग ऐतिहासिक रूप से चितपुर रोड का नाम से जाना जाता है। चितपुर की जड़ें 300 साल से भी पुराना है, जो इसे कोलकाता के सबसे पुराने इलाकों में से एक बनाती है। इस क्षेत्र में आर्मेनिया, चीनी, मारवाड़ी और बंगाली कारीगरों सहित विभिन्न समुदाय के संगम देखा गया है, जिसने इस संस्कृतियों का एक मिश्रण बना दिया।
रविंद्र सरणी के बाजारों और बाजारों की जीवंतता विशेष रूप से कोलुटला स्ट्रीट के आसपास इम्पोर्टेंस प्रदान करते हैं। लाल बाजार से कोलुटला स्ट्रीट तक रविंद्र सरणी ऐतिहासिक विरासत का समकालीन गतिशीलता दोनों का एक प्रतीक है, जो कलकत्ता की स्थायी भावना और सांस्कृतिक मोजाइक को जीवंत कथा के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।